हेलो दोस्तों, मैं हेमंत पवार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक फ्यूज़ बॉक्स की और एक फ्यूज़ की इंपॉर्टेंस को किसी भी कार में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गाइस, अभी मैं बैठा हूँ हमारी प्यारी टाटा नेक्सॉन में। मैं तो बात कर लेते हैं टाटा की कारों के बारे में पहले, कि कहाँ पे इसकी प्लेसमेंट मिलती है फ्यूज़ बॉक्स की, और भी बाकी की टाटा की कार जैसे टिगोर हो गई, टियागो हो गई, तो उन सब की भी प्लेसमेंट आपको सेम जगह ही मिलेगी। तो बात कर लेते हैं। तो गाइज, ये वाला जो लिड होता है इसको आप ओपन करेंगे जैसे ही, तो अंदर आपको मिलेगा आपका फ्यूज़ बॉक्स और इसके लिड पे मिलेगी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है, गाड़ी में छोटी मोटी माल फंक्शनिंग हो जाती है, जैसे कि कई बार आपका ये इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं चल रहा होता, या फिर चार्जर नहीं काम कर रहा होता, या फिर इग्निशन नहीं हो रहा होता स्टार्ट। तो कई लोग पैनिक कर जाते हैं और सोचते हैं कि मतलब क्या कुछ बड़ी दिक्कत हो गई है, लेकिन वो दिक्कत सिर्फ एक छोटे से फ्यूज़ की होती है। तो आप वो चीज़ चेक करके, आप यहाँ से उसकी प्लेसमेंट देख के और फ्यूज़ देख के कि ये वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो वो चेंज कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कि आपको फ्यूज़ कैसे चेक करना है। ये मेरे हाथ में एक 15 एम्पियर का फ्यूज़ है और इसमें आप बीच में ये एलिमेंट देख सकते हैं। तो ये कई बार शॉर्ट सर्किट या फिर ओवर करंट के कारण ये हीट होकर ना टूट जाता है, ये एलिमेंट यहाँ से बीच में से ब्रेक हो जाता है अंदर। तो ये इसके वजह से आपका वो चीज़ फंक्शन करना बंद कर जाती है। तो आपको सिंपली सेम एम्पियर का फ्यूज़ लेके आपको उस जगह रिप्लेस कर देना है और आपके वो चीज़ काम करने लग जाएगी। और अगर ये वाले आपने फ्यूज़ बॉक्स पूरा चेक कर लिया अच्छे से और आपको कोई फ्यूज़ में कोई भी डिफॉल्ट नहीं लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, तो फिर आपको करना होगा कि अपने कार का बोनेट ओपन करना है। वहाँ पे भी एक बड़ा फ्यूज़ बॉक्स होता है, उस वाले फ्यूज़ बॉक्स में आपको अपने सारे फ्यूज़ चेक करने हैं। एक बार वो भी देख लेते हैं। सो जब आप बोनेट ओपन कर लेंगे तो आपके बैटरी के पीछे ही आपका बड़ा फ्यूज़ बॉक्स होता है, आप देख सकते हैं ये। और यहाँ पर आपको क्लिप दिखेंगी, ये दो, उनको दबाना है और ऊपर कर लेना है ऐसी, इस तरफ से ये वाली और ये वाली, इस तरह से। तो आपको ये फ्यूज़ बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ओपन करके आप चेक करके रिप्लेस करके और वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने सारे फैमिली और फ्रेंड्स तक शेयर कर दो इस वीडियो को। मिलते हैं किसी अगली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।